हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि एक आदमी एक लड़की को अपनी गोद में लेकर उस मेंशन के अंदर आ जाता है। इसे देखकर मास्टर जेंग और मास्टर जियाओ तुरंत ही पहचान लेते हैं कि ये तो जनरल जी है, जिस पर जनरल जी उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरी पोती जख्मी हो गई है, इसे जल्द से जल्द इलाज की ज़रूरत है, प्लीज़ इसकी जान बचाओ। अब दोस्तों, इस जर्नल का नाम जर्नल जी युआन शिन है, जो कि ये यान एम्पायर का सुप्रीम जर्नल है। क्योंकि ये एक जर्नल है, इसलिए दोनों मास्टर उसको ग्रीट करते हुए कहते हैं कि जर्नल, आप परेशान ना हो, हम इस बच्ची की जान बचा लेंगे, आप इन्हें यहाँ लेटा दें। जिस पर जर्नल जी तुरंत ही उसको एक बेड पर लेटा देता है। तभी मास्टर जेंग उसे पूछता है कि ये लड़की आखिर कौन है और ये कैसे हुआ है। इसे सुनकर जर्नल जी जवाब देता है कि ये लड़की उनकी पोती है। हम इंपीरियल सिटी आए थे, लेकिन रास्ते में अचानक से कुछ वुल्फ बीच ने हम पे अटैक कर दिया, जिसकी वजह से फाइट में उनको मारने में मेरी पोती बहुत बुरी तरह जख्मी हो गई। मुझे पता है आप दोनों ही अरे कंट्रोलर हो, तुम दोनों के पास मेरी पोती की जान बचाने का कोई तो तरीका जरूर होगा। जिस पर मास्टर जियाओ उसे कहता है, हमसे जो भी होगा हम वो सब करेंगे, आप परेशान ना हो। और उसके बाद वो उस लड़की के पास चला जाता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करके उसका जख्म हील करने की कोशिश करता है, पर उससे ये नहीं हो पाता। और वो उन्हें बताता है कि ये जख्म बहुत ही गहरा है और इसका खून भी काफी निकला है। पर तभी मास्टर जेंग भी अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की का जख्म हील करने की कोशिश करता है, पर उससे भी ये नहीं हो पाता। और उसे भी पता चल जाता है कि ये जख्म वाकई में काफी गहरा है और इसकी हालत काफी खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से वो दोनों ही परेशान हो जाते हैं और कुछ सोच में डूब जाते हैं। अब तभी लिंटियन ये सब होते हुए उस लड़की से पूछता है कि ये जर्नल कौन है। जिस पर वो मैनेजर जवाब देती है कि क्या तुम इन्हें नहीं जानते हो, ये जर्नल जी युआन शिन है, जो कि यहाँ का एक महान योद्धा है। काफ़ी सालों से ये हमारे कंट्री को बचाने के लिए दूसरे कॉन्टिनेंट के लोगों से लड़ते आ रहे हैं और इन्हीं की वजह से हम सब सुकून से जी पा रहे हैं। दूसरी ओर जर्नल जी के पास खड़ा हुआ एक लड़का उनसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये लोग इसे ठीक कर पाएंगे, आप मेरे साथ एम्पीरियल सिटी चलें, क्योंकि वहाँ पर हमारा रॉयल डॉक्टर ज़रूर आपकी पोती की जान बचा लेगा। अब ये सुनकर जर्नल जी उसकी बात मान लेता है, लेकिन तभी मास्टर जियाओ उसे कहता है कि जर्नल, मुझे नहीं लगता है कि आपको इन्हें वापस लेके जाना चाहिए, क्योंकि एम्पीरियल सिटी बहुत ही दूर है और वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लगेगा और इतनी देर की वजह से कहीं आपकी पोती को कुछ हो ना जाए। जिस पर वो लिंटियन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि आप इस लड़की को एक मौका दें, ये मास्टर जेंग और मुझसे कई ज़्यादा बेहतर है। जिस पर मास्टर जेंग लिंटियन से कहता है कि बेटा, क्यों ना आप एक बार इस लड़की को देखें और बताएं कि क्या इन्हें बचाया जा सकता है कि नहीं। जिस पर लिंटियन तुरंत ही उसकी बात मान लेता है और उस लड़की के पास जाकर उसको देखने लगता है। इसे देखकर जनरल तुरंत ही उससे पूछता है कि बच्चे, मुझे बताओ क्या मेरी पोती को बचाने का कोई रास्ता है या नहीं। जिस पर लिंटियन जवाब देता है कि हाँ, इसे बचाया जा सकता है, लेकिन जिस पर जनरल उसे पूछता है, लेकिन क्या, मुझे बताओ। जिस पर वो तुरंत ही अपनी पोती की खातिर लिंटियन के सामने झुक जाता है, पर तभी लिंटियन जनरल से ऐसा ना करने के लिए कहता है और फिर उसे बताता है कि मेरे पास एक पैटर्न है, मैं फोर्सफुली हेवन एंड अर्थ एनर्जी की ऑरा को रिलीज करके आपकी पोती का सारा जख्म पूरी तरह ठीक कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे इसको अकेले ही एक रूम में लेके जाकर ये सब करना होगा। अब लिंटियन की ये बात सुनकर जनरल के पास खड़ा हुआ वो लड़का बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है और फिर कहता है कि लड़के, तुम्हारा इरादा सही नहीं है, तुम इस मौके का फ़ायदा उठाकर इस लड़की के साथ कुछ गलत करना चाहते हो। ये बात सुनकर लिंटियन जवाब देता है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, समझे, अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम खुद ही इस लड़की की जान बचा लो और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके साथ ही वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी जर्नल अपनी पोती की ओर देखता है, जिसकी हालत ठीक नहीं होती और वो अभी भी बेहोश पड़ी होती है, और तुरंत ही लिंटियन को कहता है कि रुको बच्चे। जिसके साथ ही जर्नल उसके सामने ग्रीट करते हुए रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ यहाँ पर रुको और मेरी पोती की जान बचा लो। अब ये बात सुनने के बाद वहाँ खड़े हुए दो आदमी आपस में बात करने लगते हैं कि इस लड़के में कुछ तो बात है, क्योंकि पहले मास्टर जेंग इसके आगे झुक गए थे और अब इस बार तो जर्नल जी ने
ने भी इससे खुद रिक्वेस्ट की है, पर तभी वो लड़का दोबारा से जनरल से कहता है कि जनरल आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपकी पोती की जान बचा लूँगा। लेकिन जनरल उसे गुस्से के साथ कहता है कि चुप रहो समझे, जिस पर लिन टियान उसे जवाब देता है कि जनरल यहाँ कुछ नहीं चाहते कि मैं आपकी पोती को बचा लूँ, पर मैं फिर भी आपके लिए इसे बचा लूँगा। इसे सुनकर उस लड़के को लिन टियान पे बहुत ही गुस्सा आ जाता है, पर वो कुछ भी नहीं कर पाता। पर तभी लिन टियान मास्टर जेंग को कहता है कि मास्टर मेरे लिए एक कमरे का इंतज़ाम कर दो और साथ ही वहाँ कुछ मटीरियल्स भी पहुँचा देना। जिस पर मास्टर जेंग जवाब देता है ठीक है मैं समझ गया, जैसे तुमने कहा वैसा ही होगा। तभी जनरल लिन टियान को ग्रीट करते हुए कहता है बच्चे तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। जिसके बाद वो सभी एक कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जिस पर लिन टियान जनरल को कहता है कि इलाज करते वक्त मेरे कमरे के अंदर किसी को भी आने की इजाज़त मत देना, ये मेथड मैं किसी को भी दिखाना नहीं चाहता हूँ, जिस वजह से इससे मेरा ध्यान भी भटक सकता है, मैं सिर्फ तुम्हारी पोती को बचाना चाहता हूँ, वादा करता हूँ मैं उसके साथ अंदर कुछ भी गलत नहीं करूँगा। जिस पर जनरल उसे कहता है कि बेटा कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बस आवाज़ देना, हम सभी बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे आप पर पूरा यकीन है। जिस पर लिन टियान जवाब देता है मैं दरवाज़ा बंद करने वाला हूँ, आप पीछे हो जाएं। जिस पर वो तुरंत ही वो दरवाज़ा बंद कर देता है। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इस एपिसोड का अगला पार्ट भी मैं आज ही अपलोड करने की कोशिश करूँगा, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना, शुक्रिया।